ओके, देखिए स्क्रीन पर आज का टॉपिक है टू पॉइंट पर्सपेक्टिव। ओके, तो सबसे पहले मैंने एक न्यू फाइल बनाई है। ओके, और यहाँ पर ये है पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल, राइट। पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल सिलेक्ट करेंगे, इससे आपको ये ऐसे पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे आपको दो ग्रिड मिलते हैं, एक है आपका लेफ्ट ग्रिड जो कि आप देख सकते हैं ब्लू कलर है, और दूसरा है ये राइट ग्रिड विच इज ऑरेंज इन कलर। और एक बेस ग्रिड भी है ये वाला, दिस वन इज ग्रीन। ओके, तो टोटल आपको तीन ग्रिड मिल रहे हैं जबकि ये टू पॉइंट पर्सपेक्टिव है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट ग्रिड ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं कोई भी ड्राइंग टूल से ड्राइंग बनाता हूँ। तो मैं रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करता हूँ और इस ग्रिड के साथ साथ ऐसे मैं एक ड्राइंग बनाता हूँ। तो ये मेरा ड्राइंग बन गया, इसमें कोई कलर फिल करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये फिल किया। ओके, अब हम आते हैं इसमें सेकंड ग्रिड पर, यानी इस ग्रिड पर, और यहाँ पर मैं ये ड्राइंग ऐसे बना देता हूँ। तो ये बन गया मेरा सेकंड ग्रिड, इसमें भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ, जैसे कि सपोज ये कलर मैं ले रहा हूँ। ओके, अब मुझको बेस बनाना है, तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ बेस ग्रिड पर, हॉरिजॉन्टल ग्रिड पर, और यहाँ पर इसका बेस क्रिएट करता हूँ। तो ये मैं ऐसे क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, ऐसे, और फिर यहाँ पर भी ऐसे। ओके, और ये बेस ग्रिड के दोनों ड्राइंग्स को मैं फिल कर देता हूँ कुछ ऐसा ग्रे टाइप का कलर, ताकि देखने में लगे कि ये बेस है। ओके, अब ये जो ड्राइंग बन गया मेरा, इसमें मैं कुछ और एलिमेंट्स भी ऐड कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ विंडो ऐड करूँगा। तो मैं ग्रिड वापस से ऑन करता हूँ, ग्रिड टूल लेते हैं, ग्रिड सिलेक्ट करते हैं, फिर ड्राइंग टूल लेते हैं और यहाँ पर ड्राइंग बनाते हैं। तो मैं पहले ये वाला ग्रिड बना रहा हूँ ऐसे, ये देखिए ये एक विंडो बन गया मेरा, ठीक है। अब सपोज मैं चाहता हूँ कि आगे इसी का कॉपी जाएगा, तो हम लेते हैं यहाँ से पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, नॉर्मल सिलेक्शन टूल से नहीं, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल से आप ऑल्ट प्रेस करते हैं और यहाँ से ऐसे ड्रैग करते हैं, तो ये कॉपी बन जाता है बिल्कुल सेम साइज में। ओके, लेकिन क्योंकि पर्सपेक्टिव है इसलिए ऑटोमेटिकली छोटा होता जाएगा। बीच में तीन ग्रिड का गैप छोड़कर यहां पर मैं ये बना देता हूँ। तो ये देखिए ऐसे तीन विंडो हमने बनाए, ठीक है। तीन विंडो नीचे भी लगाने हैं, तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, टूल वही सेम सिलेक्ट रखेंगे, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। ओके, ऑल्ट प्रेस करते हैं, नीचे भी कॉपी बना देते हैं। तो सपोज यहां पर मेरा ये दूसरा विंडो है, यहां और नीचे बनाते हैं, बट ये शायद ज्यादा नीचे हो जाएगा क्योंकि इतना नीचे तक विंडो नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे लास्ट वाला जो रो है उसको मैं हटा देता हूँ, ये अब नहीं बनाएंगे। तो इतना हमारा एक साइड बन गया। अब इस साइड पर मैं क्या करता हूँ, मैं इस बिल्डिंग का एंट्रेंस डोर बनाता हूँ। तो ग्रिड ऑन करते हैं, रेक्टेंगल लेते हैं और यहाँ पर मैं एक बड़ा सा एंट्रेंस डोर बना रहा हूँ इस बिल्डिंग के लिए ऐसे, ठीक है। कलर आप चाहें तो इसमें चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये फिल कर रहा हूँ, लगेगा कि बिल्डिंग के अंदर का दिख रहा है आपको यहाँ से, ऐसा कुछ है ये। और अब इसमें मुझको एक डोर भी लगाना है, डोर है ओपन क्लोज करके आप मूव कर सकते हैं। ग्रिड हम ये वाला सेलेक्ट रखेंगे, बल्कि ग्रिड ये वाला लेते हैं। ग्रिड ये ऑन किया बट ड्राइंग यहाँ बनाएंगे। ये देखो इसमें कलर कोई भी ओके। तो ये हो गया हमारा डोर। तो इस तरह से आप बनाते जाते हैं पर्सपेक्टिव ग्रिड ड्राइंग इन टू पॉइंट पर्सपेक्टिव।
राइट। तो इसका असाइनमेंट क्या होगा जरा देख लेते हैं एक बार। इसका असाइनमेंट है ये टू पॉइंट पर्सपेक्टिव से बना हुआ है, ठीक है। एनी डाउट्स? क्लियर है सभी को? चलिए स्टार्ट कीजिए। ये पिक्चर में शेयर में डाल रहा हूं, इसका नाम है pic.org, sorry pic.jp, pic.png even।